चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमदवा सरकार चाहिए जो हमारे बच्चे शिक्षित हो, बस गरीब शिक्षित हो ना रोजगार मिले। अजी राम मंदिर बना दिया क्या, हम वहाँ पूजा करने जा रहे? हम तो पूजा नहीं कर रहे वहाँ। और मनीषा वाल्मीकि का जो है बिना परमिशन के उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार तो ना कहे वही अच्छा है, उन्हें पेट्रोल डालकर जला दिया गया। क्या माने, गुंडा कर दिए। सड़क स्कूल है में प्राइवेट कर दिए, रेल है वह ठेके पे दे दी, लाल किला वो, ताजमहल वो है, सर चीज बेच खाई। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत। हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। कि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आल्दी गांव में आए हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, तो हम लोगों के साथ आज हम कुछ लोगों के साथ बैठे हैं गांव के, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार यूपी में सरकार रहेगी या बदलेंगे। 2022 में चुनाव आ रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो हाथी का बने रहा है, हाथी वोट जाएगी सारी। अच्छा, तो फिलहाल जो सरकार है वो कह रही है कि हम विकास करा रहे हैं, और कहाँ का विकास करा रहा है, कहाँ का विकास बतौर नु कहते हैं। सबको रोजगार देंगे, रोजगार जितनी कंपनियां थी वे सारी बंद करा दी। अजीब, जब बंद करा दी तो मजदूर कहाँ गए उनके सारे? अजीब, उन्हें रोजगार देना था, हमें कंपनियां जितनी बंद कराई उन्हें बाहर जगह दे कर, आ तो बाहर खुलवाती तो हमें मजदूर उसमें शिफ्ट हो जाते जी। जब जब मजदूर जो है कंपनियां बंद होगी तो मजदूर तो बेरोजगार हो गए, कहाँ की रोजगारी दे दी उसने? नुकाया कल मैं कोटा दे रहा, क्या कोटा दे रहा? अरे भूखे दे कर जिसका रोजगार छीन लिया और वो उसका तू नाच दे रहा, अकेले नाच नाचते पूरा पट जाएगा उसका। उसमें नमक भी चाह, दाल भी चाह, सारी चीज चाह, बता कहाँ से लिया वो? नु कह रहे कल वो कर दिया, क्या कर दिया? अभी सरकार ने बोला है कि हमारी सरकार जो बीजेपी की सरकार है, अभी वो बोली है कि इस सरकार में हमने गुंडा राज खत्म कर दिया है, लड़कियां रात को भी घर से जो है स्कूटी पर निकल सकती है, उसके साथ कोई छेड़। क्या वाकई में इस तरह, मतलब बदमाशी? ये तो साक्ष्य है, इस चीज़ का बहन मनीषा वाल्मीकि जी थी जी। देख लो, एक अलीगढ़ की इंटरनेशनल खिलाड़ी रही और हमारे डिपार्टमेंट से, उनका हाल देख लो। रेप हुआ था, पटड़ी के किनारे पड़ी हुई मिली थी, और मनीषा वाल्मीकि का जो है बिना परमिशन के उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार ना कहे वही अच्छा है, उन्हें पेट्रोल डालकर जला दिया गया। क्या माने, गुंडा कर दिए, खत्म हो गई गुंडा कर दी? तो भाई साहब मायावती के राज में खत्म हुई थी। जब 5 साल मायावती मुख्यमंत्री रह गई उसके राज में हुई थी गुंडा कर दी खत्म। इसने क्या है, फिर तो सारा ही तो दिया। बीजेपी सरकार ये कह रही कि रात को सोना लाद के लिगड़ दी गली लड़की और जो है कोई नहीं छेड़ने का, लेकिन इनके कहने से कुछ नहीं होता। इस बात का प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ये बात सच है, आप सबके सामने ऐसी थी। रेप किस दिन ब दिन रेप बढ़े, दिन ब दिन रेप बढ़ते जा रहे देश में, हर चीज का निजीकरण हो रहा है, तो उस पर जो दलित समाज है उस पर किस तरह, दलित समाज का जो है किस तरह का फर्क निजीकरण होने से पड़ेगा? निजीकरण का मुद्दा बहुत अच्छा है, जो गवर्नमेंट स्कूल थे वे निजीकरण में चले गए, ट्रेन थी वो निजीकरण में चली गई, हॉस्पिटल है बहुत सारे निजीकरण में चले गए, और क्या है हवाई अड्डे भी एक दिए गए। अभी बताओ, एक गरीब का बच्चा, गरीब हमारा जो हमारा समाज है वही सबसे ज़्यादा गरीब है इस मायने में देखे जाए, वो क्या करेगा अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे? जब उनके बच्चे अच्छे से शिक्षा नहीं ले पाओगे, अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तो कहाँ से समाज बढ़ जाएगा? निजीकरण का तो बहुत बुरा, निजीकरण में सारे स्कूल निजीकरण में पहुँचा दिए, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? जब उनके पास मजदूरी नहीं है वे कहाँ पढ़ाओगे अपने बच्चों? कितना रोजगार आपके गांव से युवाओं को मिला है? यहाँ तो कदेख को भी नहीं मिला, जीरो। यहाँ तो जीरो पकड़ दिया काम, जीरो। सड़क स्कूल है प्राइवेट कर दिए, रेल है वह ठेके पे दे दी, लाल किला वो, ताजमहल वो है, सर चीज बेच खाई। बच्चे हमारे वे सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं, वहाँ टीचर नहीं पाते, टीचर नहीं, मेरे पास प्राइवेट पे पढ़ाए नहीं जाते ना, हमारे पास इतना फीस नहीं पोगी थी हमारे पास इतनी। अरे यही बैंड तो लगाना था, जब शिक्षा ही तो रोकनी थी दादी। हाँ, हमें तो वह सरकार चाहिए जो हमारे बच्चे शिक्षित हो, बस गरीब शिक्षित हो ना रोजगार मिले, ना रोजगार मिले, ये योजना फोजना कुछ नहीं होती, कोई भला नहीं। पैसा तो हमारे पास है नहीं, हम आज खाया मारा ने चीज तो, हमें सारी चाह, पैसा भी चाह घर में,
सरकार ने उज्ज्वल योजना के तहत फ्री सिलेंडर भी दिए थे। यही तो आग लगाया थी देश में, सिलेंडर ना था देश में ही, सिलेंडर नहीं था हमारे क्या लिया हम पहले अपनी लकड़ी में रोटी पोल लेते फ्री फ्री दे कर ले लो फ्री 4000 रुपए की लकड़ी मेरी चले थी 3 महीने 4 महीने हमारी भूखी आदत बिगाड़ बहुत खराब कर दी मेरी भी बहनों की आदत बिगाड़ दी 1000 रुपए में सिलेंडर भरे ये रोटी नहीं पोएगा देते हमें बिना बिना सिलेंडर के आधा मतलब लकड़ी मतलब लकड़ी लिया मतलब क्या हां भाई खाली दे रहे हैं तो इतना महंगा हो रहा कौन भरवा रहा भाई सिलेंडर आ रहा भाई सिलेंडर महंगा कर दिया सब्सिडी बंद ये लोग आए बकाया ली सिलेंडर दे के ये नोना हम पागल बना दिए हमने तो बंद कर दिया हम नहीं भरवाते जो सिलेंडर के ऊपर एक एग्जांपल है हमारा जी जिस समय ये व्हाट्सएप फेसबुक स्टार्ट हुए थे और ये जियो का रिचार्ज था जियो में ले लो एयरटेल में किसी में ले लो रिचार्ज बहुत सस्ते थे अब फेसबुक का जो है आदमी को लत लगी व्हाट्सएप की लगी इनकी लत लगी उसमें रिचार्ज महंगा हुआ क्योंकि लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे थे ज़्यादा डाटा खर्च करेंगे तो भाई नेट भी करवाना पड़ेगा अब ये देखो जब ना तो हमारी सब्सिडी मिल रही सिलेंडर में सिलेंडर जो है 930 का फिलहाल वर्तमान में है ये देखो जब रिचार्ज इतना महंगा हो गया चाहे रिचार्ज अब 500 का भी करवावे 500 का भी कर दे सरकार तो सभी लड़का करवा होगा क्योंकि उससे ज़रूरत है सिलेंडर की भी स्थिति करी शुरू में सस्ता दिया रिचार्ज भी शुरू में सस्ता दिया अब दोनों बढ़ाते जा रहे करवाना तो पड़ेगा ना क्योंकि इनकी लत लग गई इन्हें हटा नहीं सकते कि हम सड़कें बना रहे हैं और राम मंदिर भी बना दिया है और धारा 370 हटा दिया है तो इस तरह के उनके हम फैसले दे रहे हैं राम मंदिर बना दिया उनको पढ़ाई अजी राम मंदिर बना दिया क्या हम वहाँ पूजा करने जा रहे हम तो पूजा नहीं कर रहे वहाँ से हमारा राम तक क्या मतलब हमारे विदास का मतलब है उसी की सेवा करेंगे हम परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से हमें मतलब है भीमराव अम्बेडकर से मतलब है बीजेपी सरकार है 10 साल से चल रही और यहाँ से पुलिस प्रशासन भी आ गया कई बार शिकायत रखी गई गांव में एक स्कूल आप ये बताया आप भी एजुकेटेड आदमी हो सरकारी ठेके कहाँ लगाए जाओ दारू के ठेके वो अलग सरकारी ठेके अलग लगाए जाओ ना स्कूल के 10 मीटर भी नहीं है मान्यता प्राप्त स्कूल है 5वीं तक का है और उसके बगल में थोड़ा जूनियर स्कूल है एफिलेटेड स्कूल है वो और सबसे अच्छा स्कूल है गांव में हमारे हाँ पूरे सरकारी से भी बढ़िया का बच्चा पढ़ा लिखा अगर वहाँ से पढ़ लेना तो मार नहीं खाता जल्दी से उस बात उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा हुआ हूँ और भी बच्चे पढ़ गए बगल में ठेका खोल रखा उसे कई बार हमने इस बारे में शिकायत भी कर ली कि वैसे हटाया जाए लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही गुंडा राजी तो है बीजेपी सरकार को और क्या है बेट तो मंदिर तो इनका धर्मस्थल नहीं रह रहा मंदिर तो इनकी दुकान है मंदिर बंद कर दो इन्हें पता लग जाएगा हाँ ये मंदिर तो कुछ नहीं है चढ़ावा बंद कर दो पता लग जाए इन्हें अगर मंदिर में दलित चले जाए सूत मानने उसे आप पवित्र मानने उसी मंदिर में चमड़े के खाल का ढोल बजा उसे अपवित्र क्यों होता जब वो नहीं चमड़े का तो पानी पी चमड़े में पैदा नहीं हो रहे के और जो आने में हो रहे वन नहीं हम हो रहे पैदा नहीं हो रहे में ये भाजपा वाले तो इस तरह के है आग जो कर हिड़का कुत्ते परम पूज्य बाबा साहब को जो है कहीं तो उस पर कोई जुत्ती मार रहा कहीं उस पर कोई कुछ कर रहा है तस्वीर पे जबकि जिस टाइम बाबा साहब हुए उस टाइम भारतवर्ष के अंदर ऐसा कोई विद्वान नहीं था अब जो उस टाइम संविधान बनाया जाता जितनी डिग्री उसने पास कर रखी थी हैं अच्छा तो उसने जो भी कुछ कर दिया उसे करे पानी फेरे लग रहे ये तो कुछ भी नहीं उसके आगे बाबा साहब के नहीं ये फेसबुक पर बहुत ज़्यादा कमेंट करे कि भाई बाबा साहब के आते हैं भाई दम थे तो खुद लिख लेते हमारी क्या जरूरत पड़ी नहीं उनके सामने उस जमाने में कोई था ही नहीं इतना विद्वान इतनी डिग्री धारक आज तो सो है गुजारे हो रहे रफे हो रहे इनके दो पैसे वालों के मैं पढ़ा रहे विदेशों में पढ़ा लो लेकिन उस टाइम नहीं था हम अभी गांव आलदी में थे यहाँ के लोगों का कहना है कि इस सरकार ने जो फिलहाल जो सरकार है उसने कुछ भी काम नहीं किया है तो हम इस बार बदलाव लाएंगे जुड़े रहे चलचित्र अभियान के साथ धन्यवाद सारे अपने भाई को खिला रहे 25 वोट वाला जीता है जिन लोगों ने आज तो हमारी वोट मांग रहे हैं ये सब हमें देने वाला नहीं सिर्फ मुसलमान